नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों BHMS फाइनल ईयर के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी जब हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका हिंदी क्या है। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत, एनालॉजी का मतलब होता है सामान्यीकरण या समानता सदृश। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी का सीधा मतलब है समानता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है दोस्तों डॉक्टर बोनिंगहोसन साहब के थेरापेटिक पॉकेट बुक, जो उनकी रेपर्टरी है थेरापेटिक पॉकेट बुक, उसको यूज करने का सिद्धांत है। मतलब थेरापेटिक पॉकेट बुक को आप समानता के सिद्धांत से ही उपयोग में लाते हैं, उपयोग करते हैं उसका, ये उनका अपना थीसिस है। थेरापेटिक पॉकेट बुक आप जान रहे होंगे कि उनके जो तीनों जो उनके रिपर्टरी थे, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, अटेम्प्ट टू शोइंग द रिलेटिव किंगशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, इनका जो ये तीनों जो उनका रिपर्टरी था, इस तीनों रिपर्टरी का जो कॉम्बिनेशन है वो है थेरापेटिक पॉकेट बुक। और थेरापेटिक पॉकेट बुक को यूज करने का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, या फिर आप कह सकते हैं ग्रैंड जनरलाइजेशन। दोस्तों इस शब्द को होम्योपैथी के क्षेत्र में या फिर इलाज के क्षेत्र में या रिपर्टराइजेशन के क्षेत्र में अगर हम कहें, सबसे पहले इस शब्द को लाने वाले, इस सिद्धांत को लाने वाले थे तो वो स्वयं डॉक्टर बोनिंगहोसन साहब थे। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी क्या है दोस्तों? डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी किसे कहते हैं, क्या करने को डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी कहा जाता है या ग्रैंड जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम सीधा सीधा आसान भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी उन सिम्टम्स के लिए है खास करके जो कि पूरे नहीं होते हैं। आप नॉर्मली तो आप ये जानते हैं कि दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, कंप्लीट सिम्टम्स, इनकम्प्लीट सिम्टम्स। कंप्लीट सिम्टम्स मतलब सीधा सीधा बात है कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कंकोमिटेंट, ये चारों हैं तो मतलब कि वो एक कंप्लीट सिम्टम है, एक पूरा लक्षण है, वो पूर्ण लक्षण है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर वो अधूरा लक्षण कहलाता है। जैसे कि किसी एक पार्ट, किसी एक बॉडी पार्ट का कोई सिम्टम एक पेशेंट आपको दे रहा है, उसका लोकेशन पता है, उसका सेंसेशन पता है, लेकिन उसका मोडालिटी नहीं पता है हमें। और वही चीज इसमें दिखाया गया है और ग्रैंड जनरलाइजेशन में कि होता क्या है कि बहुत सारे केस में जब आपके पास पेशेंट आता है और अपना बहुत सारा सिम्टम बतलाता है तो हर सिम्टम कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे पार्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है उसमें कुछ चीज को तो आपको कनेक्ट करने को मिलेगा, कुछ चीजें कनेक्ट करने को नहीं मिलती है। जैसे कि किसी सिम्टम का लोकेशन पता है, सेंसेशन पता है, मोडालिटी नहीं पता है, मोडालिटी पेशेंट आपसे बतलाता नहीं है। लेकिन वही चीज दूसरे किसी सिम्टम, दूसरे किसी सिम्टम में, दूसरे किसी प्रॉब्लम में आपको उसको एक तरह का मतलब वो आपको प्रॉब्लम बतलाता है और उसमें मॉडलिटी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि डॉक्टर बोनिंगहोसन साहब ऐसा मानते हैं कि किसी एक पार्ट का सिम्टम अगर कंप्लीट ना हो और दूसरे पार्ट में वो जो इनकम्प्लीट होना जो है, उसका जो अधूरापन है वो अगर दूसरे पार्ट में मिल रहा हो तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं इस पार्ट में, इस सिम्टम में, इसको पूरा करने के लिए। इसी को कहा जाता है ग्रैंड जनरलाइजेशन, मतलब पूरा सामान्यीकरण करना, पूरा लेकर के चलना ताकि हम लक्षण को पूरा कर सकें और पूर्ण लक्षण के साथ आप एक सही रेमेडी तक पहुंच सकें। वरना लक्षण तो बस वही बात है कि अंधा कुआं है, कहीं खत्म नहीं होता, इतने लक्षण है कि आप किसी रेमेडी तक पहुंचेंगे कैसे। इसमें जो उन्होंने अपना एक जो थीसिस दिया है, अपना थ्योरी दिया है, वो उनका है कि व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल। उनका कहना है व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल, मतलब कि एक पार्ट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए अगर एक सिम्टम के लिए कोई चीज अगर अप्लाई होता है और दूसरे पार्ट में भी अगर वो चीज है उसको भी हम इसमें ले सकते हैं इसको पूरा करने के लिए, यही उनका कहने का मतलब है दोस्तों। तो ग्रैंड जनरलाइजेशन का या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी का सीधा सीधा मतलब आप ये आसान भाषा में समझिए, जैसे किसी एक पार्ट में अगर सेंसेशन है, लोकेशन है, लेकिन मोडालिटी नहीं है और दूसरे कहीं पार्ट में मोडालिटी हमें देखने को मिल रहा है तो हम उस पार्ट के मोडालिटी को इस पार्ट के सिम्टम के साथ लेकर के चल सकते हैं, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं इस सिम्टम के साथ ताकि हम इस सिम्टम को पूरा कर सके और उसके बाद हम रेपर्टराइजेशन कर सकें बेहतरीन तरीका से। यही होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।